नमस्ते फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं प्रैक्टिकल वे में इवेंट को किस तरह से परफॉर्म करते हैं ए टू जेड शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा चीज़ बताऊंगा। तो आज के वीडियो में मैं 4 से 5 इवेंट को कवर करने वाले हैं, तो इवेंट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा ए टू जेड। तो शुरुआत करते हैं फॉग एंट्री से, एलिफेंट टीथ, डांसिंग पायरो, हैंड पायरो स्टिक और सारे ए टू जेड मैं वीडियो को परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें पटापट पटापट चीज़ों को दिखाना है और आपको करके भी दिखाना है। तो ये इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पास ये मटके हैं, तो ये फॉग मटके हैं। और आप पीछे भी देखोगे तो यहाँ कोई हीटर बीटर कुछ लगा नहीं है, मतलब ये हमने कंपनी से विदाउट हीटर वाले बुलाए हैं क्योंकि हमारे यहाँ लोड शेडिंग और लाइट का बड़ा प्रॉब्लम आता है। कोई 2000 वाट रहता है, तो 1500, कोई 500 वाट, कोई 750 वाट, इसलिए विदाउट हीटर वाले हैं। देख सकते हैं विदाउट हीटर वाले फ्लावर है और यहाँ कुछ भी हीटर वगैरह नहीं है, पर ये डिज़ाइन सेम टू सेम है। हमने क्या किया है, ये बड़ा वाला मटका लिया है, जैसे कि देख सकते हैं ये बड़ा वाला मटका है। बड़े मटके में पानी गर्म किया है, अब ये पानी हम बाकी मटकों में डिवाइड कर लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, अरे हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमें यहाँ शॉक प्रूफ रहेगा। और इस तरह से हमने स्टैंड लिया है, देख सकते हैं ये लोहे का स्टैंड है। स्टैंड के ऊपर हमें इस तरह से तिरछा लगाना है, ये फ्लावर वाला पोर्शन ऊपर रहेगा और हमें इस तरह से रहेगा। और उसके बाद में ये ऐसे मग्गा है, ये मग्गे में हम ड्राई आइस को फिल करेंगे और इसके अंदर हम इसे इंसर्ट करेंगे। तो यह हो गया, हमने 8 मटके लिया है, मतलब 8 फॉर्क मटके हैं। उसके बाद में देखेंगे तो ये डांसिंग पायरो मशीन है, देख सकते हैं 2 डांसिंग पायरो मशीन है, ये इम्पोर्टेड वाली डांसिंग पायरो मशीन है। ये दो डांसिंग पायरो मशीन का यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद में ये वॉकी टॉकी है, वॉकी टॉकी सेट का हम यूज़ करेंगे। ये E12 BD12 मॉडल है, इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद जो आप देख रहे हैं कोल्ड पायरो है, पेपर शॉट है, एंगुलर वाला पेपर शॉट है। उसके बाद में हमें सेफ्टी के लिए हमने ये ग्लव्स का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, ये पेपर शॉट रेडी हो गया है, हमने ये पेपर शॉट इसके अंदर डाला है और एंगुलर है, हम इस किसी भी डायरेक्शन में एंगल चेंज कर सकते हैं। इसका रिव्यू भी बढ़िया है, तो 2 एंगुलर शॉट हम वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। और देखिए छोटी वाली पेपर कटिंग है, तो ये पेपर बढ़िया फ्लाई होता है हवा में और इसका इफेक्ट बढ़िया दिखता है, तो ये पेपर हम यूज़ करने वाले हैं। हमें 9 वोल्ट की बैटरी की जरूरत पड़ेगी, देख सकते हैं 9 वोल्ट की बैटरी है। यह मल्टी कलर बॉक्स वाला यूज़ करने वाले पायरो 3x35S। और उसके बाद में हमने ड्रायर्स को मेजर करने के लिए वेइंग बैलेंस है। हम गन का भी यूज़ करने वाले हैं, तो देख सकते हैं इसके ऊपर एक गन हम लगाएंगे, तो गन भी यूज़ करने वाले। ये हमने यहाँ पे पेपर फिल कर दिया, पेपर फिल करने के बाद ये एल्यूमिनियम फॉइल बोलते हैं इसको या सिल्वर पेपर बोलते हैं, तो सिल्वर पेपर भी यहाँ पे यूज़ होने वाला है। और हम ये जो इवेंट को परफॉर्म करने वाले हैं, इस इवेंट को परफॉर्म करने के लिए 4 पर्सन की टीम है, हम 4 पर्सन इसको टीम को पूरी तरह से परफॉर्म करेंगे। जो देख रहे हैं बॉक्स, इसमें ड्राई आइस है, ये हमने 100 किलोमीटर दूर से लाया है, इसलिए हमने इसको बांध के रखा है और ये गीला वाला कपड़ा इसके ऊपर रखा है ताकि इसका वेपराइजेशन लॉस कम हो, क्योंकि ये वेपर जल्दी उड़ जाता है, तो इसलिए हमने इसको ऊपर बांध के रखा है। अभी